नमस्ते सर। नाम लिखिए। और अजीत सिंह जी, अजीत सिंह छाबड़ा जी और विद्या जी, कैमरा ऑन कर लीजिए और आप अपना मैम डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ सर, आज मेरे बेटे का पूछ रही हूँ। 16 16 मई मई हाँ कल मई 5 और 1992 1992। विद्या जी, इस डेट ऑफ बर्थ को लीजिए और जो भी अपना पैरामीटर है उस पैरामीटर को अपने को फॉलो करना है और इस हिसाब से जो है इनका प्रेडिक्शंस करना है। सर नेम इनका नेम क्या है मैम आपका? सुदर्शन बच्चे का बेटे जो का। नाम है वो नाम बता दीजिए। हाँ सुदर्शन SUD सुदर्शन SUD ए AAR SHAN आर SHAN एस एन सर यू क्या बताए? SU SUD SUD AR AR SHAN SHAN सुदर्शन और CHH चार्जर CHH A J AJER हाँ AJER एजे हाँ जे एजे ई या यहाँ पर ए देखिए उनका जो है नाम का पाइथागोरियन और चांडियन दोनों हमने निकाल दिया है। आपको जिस जिस चीज की अगर किसी भी जातक को प्रॉब्लम होगा विद्या जी आप बताइएगा, उनका हम जो है PPTs शो करने का कोशिश करेंगे। रेवेन्यू कंडक्टर कितना है? 5, 7 and 6 सॉरी इसमें हमको कहाँ पे पैसा फंसेगा, लाइफ में क्या करने वाला है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस को हमको देखना बहुत ही जरूरी है। क्लाइंट के जितने भी क्वेश्चंस अगर आपके पास में आ रहे हैं उस क्वेश्चंस को अपना हैंडल करना है, जितना भी आपको पढ़ाया गया है। नाम को साथ में जो है रखना है। इनका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर बता दीजिए, चाहे वो प्रॉब्लम्स प्लॉट रिलेटेड हो चाहे वो शादी रिलेटेड हो, इसको हमको क्लियर करना है। सर, यस, ड्राइवर और कंडक्टर कितना है इसका? ड्राइवर और कंडक्टर इनका 7 और 6 है और इनका जो लाइफ होगा ना वो लाइफ लाइक सक्सेसफुली होगा और घर से वो दूर रहेंगे ओके मैम, आप और बात कर सकते कैरी। हैं, आपके पास में जो भी सवाल है वो सवाल को पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेश्चंस है तो। ओके सर, करियर के बारे में बोलूँ तो वो मीडिया स्पोर्ट्स डॉक्टर इंजीनियर इन सब लाइन में वो जा सकता है और उनको ना भूत का उपाय करने दीजिए अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। किस चीज का उपाय? भूत का चप्पल भूत भूत का बूथ मतलब चप्पल्स ना, भूत का मरकरी उपाय मरकरी करने अच्छा भूत मरकरी। मरकरी का। ओके 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 भूत का उपाय ओके। उसमें क्या उपाय होता है? भूत का उपाय जो होता है आप ना वो गाय को घास खिलाने दो उनको पहले वाला नंबर 1। नंबर 2 यूज ग्रीन ग्रीन चीज उसको यूज करने दो आप और लाइक उसको ना गणेश जी को पूजा करने दो आप गणेश जी को पूजा करने दो और जो दान है ना दान दान करो आप उसको दान करने के लिए दो। दान करना पड़ेगा
ओल्ड मैन जो आश्रम में रहता है ना, वो वृद्धाश्रम में रहता है, ऐसा टाइप का आदमी को, ओल्ड मैन को आपको उनको दान करना पड़ेगा। घी दान कर सकते हैं, घी और कर्पूर जो होता है ना वो, और लाइक घास खिलाइए उसको। ज्यादा से ज्यादा ग्रीन चीज यूज करने दे दो आप, ग्रीन खाने के लिए दो, ग्रीन पहनने के लिए दो, वो अच्छा होगा उनके लिए। वो गणेश जी का आराधना करने दीजिए आप। कुछ सवाल है मैम इसलिए टेट आपको? और इसका मतलब आपने क्या बोला, इसका घर से दूर रहना पड़ेगा मतलब? मीन्स ऐसा नहीं है कि वो लाइक उसका अच्छाई के लिए, ऐसा होता है ना कोई कोई घर में रहने से लाइक उसका करियर में ग्रोथ ऐसा नहीं हो पाएगा, तो उसको अगर वो बाहर रहे घर से तो हाँ, बाहर उसका। ही है जहाँ पे इसका बर्थ प्लेस। हाँ, जहाँ पे हम लोग राजस्थान में रहते, वो बाहर है इसका हाँ, उसका बिजनेस, सूरत है। ग्रोथ। या ओके। और इसकी लाइफ, हेलो, मैडम और नेम नंबर। हेलो, हाँ बोलिए। और मैरिज लाइफ वगैरह कैसी रहेगी? मैरिज लाइफ, अच्छा मैरिज लाइफ उनका अच्छा ही रहेगा। और अभी ऐसा कुछ प्रश्न, ऐसा कुछ जो वो कब, जैसे अभी तक ये उनकी शादी को हो गया 4 इयर्स, जो डेट ऑफ बर्थ है ना उसमें जो उनका नंबर्स आया है, उन नंबर्स में जो नंबर चाहिए शादी के लिए, मीन शादी अच्छा होने के लिए, उनमें है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम तो शायद इसका बीबी में वो शादी कर लिया होगा। हेलो, डिस्टरबेंस आ रहा है मैम? बर्थ से ठीक है उसका शादी का लाइफ, मैरिड लाइफ। ओके, मैरिज है तो ठीक है। एंड बिजनेस? बिजनेस तो सक्सेसफुली बनेगा, और उनका बिजनेस के बारे में बोल लूंगी तो वो बिजनेस कर पाएंगे या नहीं ना। बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है वो? बिजनेस एक्चुअली में ही हैज डन सिविल इंजीनियर, बट ही इज इन टेक्सटाइल, कपड़े में है। अभी तक तो अच्छा चल रहा है। बिजनेस करेगा, उनका जो ड्राइवर नंबर है ना 7, तो उसके हिसाब से वो बिजनेस में अच्छा करेगा। अच्छा, आप एक वन क्वेश्चन मैडम प्रश्न, हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए। बस पर्सनल क्वेश्चन के, जैसे अभी तक मतलब पापा नहीं हुआ है, मतलब शादी के 4 इयर्स हो गए, तो बच्चा होगा हाँ, ये मतलब बता सकते हो? बच्चा कब होगा, लाइक डेट ऑफ वाइफ का भी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, लेकिन दूर उनका, हाँ उनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसी हिसाब से उसको बच्चा, मीन्स उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हाँ, बच्चा तो होने ठीक है। कल डेट डेट 12 जुलाई, सॉरी इसकी वाइफ का डेट, वाइफ का, हाँ, 12 जुलाई, 1994, 92, 94, कंजीव कब होगा? अच्छा शादी के ईयर को जोड़िए और उसके बाद के बच्चे के टाइमिंग्स को जोड़िए, कौन से साल में उसके बाद बच्चे होंगे? सर, मैं बोलूं? एक-एक करके सर बोलिए, एक-एक पहले उनका पूरा होने दीजिए, फिर दूसरा आदमी कोई पूछ सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए है और प्रैक्टिस में नया स्टूडेंट को टाइम लगेगा, ये हो सकता है। अजीत सिंह जी, शादी का इसका क्या है, बच्चे का पोजीशन? लव मैरिज हुई है इनकी? अरेंज अरेंज मैरिज। वाइफ का नाम क्या है इनकी? जीनल, JINAL।
हस्बैंड वाइफ में से दोनों में से अग्रेसिव कौन है ज्यादा, गुस्सा किसको आता है? वाइफ को है वाइफ को गुस्सा आता है। हाँ ना, वाइफ को। हाँ भाई, ऐसे हस्बैंड वाइफ दोनों को आता है, बट वाइफ को थोड़ा ज्यादा आता है। कौन सी ईयर में शादी हुई है? 2019 इनका हेलो या आपका बेटा का ना विद इन 2 इयर्स उनका मीन्स लाइक बच्चा होगा विद इन 2 इयर्स, ओके okay. मतलब 2 साल लगेंगे उनको भी। 2 साल में। मीन्स इन और टू कोई क्वेश्चंस थाउजेंड है जी आपका? मीन्स इन 2023-24 में होगा। हाँ ऐसे बोल सकते हो। ओके एंड एवरीथिंग इज गुड, दूसरा सब मैरिज एंड लाइफ ही एंड इज एवरीथिंग। लाइक सक्सेसफुल या पर्सन, अभी भी हो रहा होगा बिजनेस में, अच्छा ही हो रहा होगा। हाँ। ऐसे अभी देखो, अभी तो बिजनेस तो अभी जैसे अभी कपड़े मार्केट का डाउन ही है, सो इट्स नॉट फॉर हिम, इट्स फॉर एवरीवन, वो सबके लिए। तो हम क्या लेकिन उन हाँ लेकिन आप ना उनको उपाय करने दो, लाइक आप उनको एक कोयला होता है ना, हाँ कोयला हाँ हाँ कोयला आप भरते हुए पानी में आप दे दो उनको, देने के लिए बोलो। राहु के लिए है उनका, लाइक नंबर 4 मिसिंग है इसलिए बोल रही हूँ, तो हाँ उनको वो करने के लिए दो। और लाइक उनका जो फाइनेंस है ना, मीन्स फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबिलिटी जो है वो लाइक उनका पाजल रहता है, पैसा पैसा के बारे में, मानी मानी में उसका पाजल पाजल है, मीन्स फाइनेंशियल पाजल उसको रहता है, जितना भी पैसा कमाए तो उसमें थोड़ा बहुत पाजल्स आता है उनको। तो इसके लिए अगर बैलेंस करना है ना उसको ना, नंबर 1 का लाइक शनि का उसको मीन्स उपाय करना पड़ेगा। ठीक है, मजदूर को नमकीन खिलवाओ, बेसन का, ओके okay. जैसे बेसन का लड्डू बना के खिलवाओ। और आप लॉर्ड शनि को मीन्स वर्सी ने दे सकते हो आप उसको, और मस्टर्ड ऑयल जो है ना उसको दान दो आप मस्टर्ड और किसको दान देना है? स्वीपर मंदिर में। को। ओके हाँ मंदिर में। हाँ स्फटिक का माला भी पहन सकता है वो और शनि के आपने लिए। आपने कोयल का क्या बोला? कोयला का कोयला को बहते हुए पानी में दे दो अच्छा, कभी देने का है वो? नदी में। कब हाँ कब देना है? कब, कौन से डे को देना है? दे सकता है वो, शनिवार को या रविवार को ऐसा करके दे सकता है वो। ओके कितने लेना है? एक एक ही लेना है ना? कोयला। हाँ। ओके हाँ, हमारे यहाँ तापी रिवर है तो वो बह सकता है, उससे अच्छा रहेगा। और जो है ना उसको नंबर लाइक अच्छा रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहन सकते हैं वो, या नंबर 4 इज मिसिंग। ओके गुरु नॉट नंबर 4, इट्स नॉट फॉर नंबर 3, लाइक गुरु के लिए, बृहस्पति के लिए। तो सिट्रिन भी पहन सकते हैं वो, क्रिस्टल ओके वाला सिट्रिन। और अगर वो ना हो सके तो आप तो बाम्बू प्लांट जो होता है ना, बैम्बू प्लांट घर के इस डिरेक्शन में रख लो। ओके और वुडन थिंग्स पहन सकते हैं वो, यू लाइक मीन्स ऊट का जो है वो पहन सकता है। बस। और कुछ और तो बस यही रेमेडी करना है ना, मींस ग्रीन हाँ ग्रीन चीज ज्यादा इंटेक करना है, और दान भी आप देना ग्रीन काउ को। ओके ओके आपके लिए यही कर लो। थैंक यू वेलकम। विद्या जी, इस डे मैडम के मैडम। बारे में 1 मिनट रुक जाइएगा, इस डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताइए। सॉरी इस डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताइए, इसका नेचर कैसा है, कैसा जातक है? सर, ये तो कार्मिक डेट नंबर है, तो ओके इसके लाइफ में कार्मिक है, इसके लिए लाइफ में वो लाइक कार्मिक के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। लेकिन इनका जो सर ड्राइवर कंडक्टर नंबर का मैचिंग कॉम्बिनेशन हुआ है ना, उसी के हिसाब से तो सक्सेसफुल बनेगा। इसका कुआ नंबर कितना होगा?
सर 8 हुआ, नंबर 8 आ गया, तो सर उनको 8 का रिमेडीज नहीं करने से भी होगा? रेमेडीज करना, वही चीज बता रहे थे कि एट का रेमेडीज नहीं भी करेंगे तो चलेंगे। इस जातक का पैसा कितना हाँ जगह फंसेगा 357 में? सर, सर इनका तो सर इनका मोर देन 4। इसमें कौन सा दोष है चार्ट में? काल सर, अच्छा, यहाँ पे नहीं है इनका, क्योंकि इनका 2 नंबर्स है, 2 5 है, और यहाँ पे 5 6 है, और बाकी यहाँ पे एक एक नंबर ही मिसिंग है। उसके बाद इस जातक में जमीन रिलेटेड इश्यूज होगा, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज? जमीन रिलेटेड आई थिंक सर नो। आई थिंक कंफर्म बताएं, क्लाइंट आपको थोपिया देगा, कंफर्म बताएंगे ना आप? सर नहीं होगा मेरे हिसाब से। हेल्थ इश्यूज, नाम को देखिए और ऊपर हाँ वाले सर गेट को देखिए। इनको, हाँ जो है 9 और 2, ये बहुत स्पिरिचुअल होगा। हेल्थ इश्यूज इनमें अगर 4 आता तो ये होता इनका हेल्थ इश्यू, लेकिन इनका कहीं से भी 4 नहीं आ रहा है, एक्सप्रेशन नंबर से भी नहीं आ रहा है, तो 9 और 2 है, तो ये स्पिरिचुअल होगा ठीक और लक्की होगा, और लाइफ में जो ये करना चाहते हैं वो उनको मिलेगा। अच्छा, इसके करियर का पीक पॉइंट कब आएगा? इनका रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम होगा मींस। ओके, वो तो आप आगे बताएंगे, वो इनका चार्ट है। इनमें ये बताइए कि इनके करियर का पीक पॉइंट कब कब आएगा, और सॉरी करियर का पीक पॉइंट कब आएगा? एक पॉइंट होता है ना जहां से आदमी का करियर उछाल मारता है। अच्छा, अभी तो उनका नंबर 1 चल रहा है, परमानेंट ईयर 1 ही होगा। साल बताइए ना। ना, नहीं, हाँ सर 1 चल रहा है उनका परमानेंट ईयर, तो उसी हिसाब से उनका कैरियर में अभी ग्रोथ ही होना चाहिए, अभी से ही इस साल तो उनका अच्छा ही होगा। नाम के स्पेलिंग में क्या प्रॉब्लम है? सॉरी सुना ही नहीं। नाम के स्पेलिंग में क्या प्रॉब्लम है? सर उनका तो नाम के सर स्पेलिंग में क्या प्रॉब्लम? नाम का शुरुआत क्या है, 2 डिजिट? सु SU ओके, तो क्या इश्यूज देता है? देखना पड़ेगा सर। अब आप बताइए कि जब आप शुरुआत किए थे प्रिडिक्शन में, तो आपने गलती क्या किया था ताकि आप क्लाइंट जो है आपको नहीं बताए? आप ही बता दीजिए कि गलती क्या किए थे। सर पैरामीटर्स नहीं लिए, मींस लाइक उसका कार्मिक जो डेप नंबर है, और लाइक उसको उसको देखना था पहले। ओके, और गलती क्या किए थे? ओके, बर्थ डेट को कंफर्मेशन 2 बार नहीं किया। अब मैम आपके पास कितना परसेंट ये सही बताए? ऐसे तो राइट ही बताया। कितना परसेंट? तब भी 5%, 90%, 10%? हाँ मतलब ऐसे उन्होंने बिजनेस का बताया, स्टडीज के बारे में बताया, इंजीनियर और डॉक्टर तो इंजीनियर है और बिजनेस अच्छा है, ओके, दूसरे उन्होंने क्या नेचर के बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं। नेचर के बारे में बताएंगे, नेचर के बारे में बहुत बता देंगे, लेकिन उनको काम करना पड़ेगा। अभी आधा ही नॉलेज वो सीखे हैं, समझे क्या? ओके ये लेके जो है ओके उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। हाँ ये हेलो
सर उत्तर के बारे में बोल सकती हूँ, लेकिन मैंने नहीं बोला, बोलना है तो बोल सकती हूँ अभी। आप बोलिए। ओके सर आप उनका जो बताइए। व्यक्तित्व होता हुआ है ना, वो बहुत मीन्स अच्छा है, मीन्स पर्सनैलिटी अच्छा है उनका, और वो दूसरों को समझ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझता है, दूसरों को समझ पाते हैं, और उसका जो भविष्य है ना वो बहुत उज्जवल है, मीन्स लाइक यू नो ब्राइट बाई जी लाइक वो, और वो शान के वजह से है, और मेक्स वो, लेकिन बहुत सेंसिटिव है, और लाइक जल्दी उसको दुख दुख मिलता है, मीन्स थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा बात में ही वो लाइक उसको दुखी हो जाता है, और यही है। और नंबर बहुत केयरिंग है, विवेक अच्छा है, ज्ञान बुद्धि उसमें अच्छा है, और वो ना दूसरों को बहुत अच्छा से उत्साहित कर सकता है, मीन्स वो खुद तो समझदार है ही, और दूसरों को भी समझा के वो लाइक वो समझा सकता है, ऐसा टाइप का है वो, लविंग केयरिंग है अपने फैमिली के तरफ टुवर्ड्स, आप फैमिली को वो क्या, फैमिली को वो मीन्स लाइक करता है, मीन्स ऐसा नहीं है कि फैमिली से मीन्स दूर रहने से भी उसका फैमिली के प्रति जो लगाव है ना वो है उनके पास, और वो जब वाइफ का हो या अपने मम्मी पापा का हो या जो कोई फैमिली मेंबर्स के लिए, वो लाइक अपना काम छोड़ कर भी खुद अपना मीन्स केयर टेक कर सकता है, केयर लेगा, और एक अच्छा लाइक पति भी वो हो सक हो है, और उसका जो वाइफ के प्रति जो उसका ये है ना लाइक थिंकिंग है, थोड़ा बहुत वो निगेटिव है कि वो लाइक वो वाइफ को खोने का डर है उसको, वो मीन्स बोलता नहीं किसी को, लाइक वो पॉजेसिव टाइप का होगा शायद थोड़ा, ही मैडम स्पिरिचुअल भगवान को मानता है वो, और ऐसे, लाइक हाँ भगवान को मानता है, और उसको ना एक प्रॉब्लम है कि वो ना उसका कोई मीन्स काम लाइक क्या होता है, काम करने के बाद उसको समझ में आता है क्या, हाँ ये मेरा भूल हो गया, लाइक कुछ होने के बाद हुआ होगा पहले लाइफ में, लाइक कुछ होने के बाद उसको रियलाइज हुआ, और होता है उसको रियलाइज, ठीक है, और बहुत इंटेलिजेंट है वो, और डिसीशन मेकिंग है उसका, डिसीशन जो है वो लाइक, और दूसरों का वो भूल निकाल सकता है ढूंढ कर, माहिर है उसमें, और कभी कभी क्या करता है उसका मैडम जो वो है ना अपना इंटेलिजेंस का ईगो, उसमें से वो मीन्स बहुत दूसरों को लाइक नीचा भी दिखा सकता है, मीन्स वो करता है ऐसा, और नहीं तो उसका जो नंबर आपने बोला था नंबर 4 जो उनका मिसिंग है ना, उसके लिए उसका जो लाइक होगा डिसिप्लिन थोड़ा कम होगा उसमें, डिसिप्लिन तो है। हाँ डिसिप्लिन है बहुत है, बहुत एक्यूरेट चाहिए हर चीज इसको। हाँ मे भी ओके इसका फोन नंबर मिसिंग है बट इज वेरी मच एक्यूरेट, इसको ये सब ओके व्यवस्थित। हाँ अच्छा, डिसिप्लिन उसको होगा क्योंकि उसका कुआ नंबर से आ गया, अगर 8 है ना ग्रिड में, 8 नहीं होने से वो 4 का उसका वो हो जाता है, मीन्स डिसिप्लिन अगर 4 मिसिंग भी है बराबर हो जाता है, इसलिए उसको 4 का रिमेडी नहीं करने से भी होगा, आपको मैंने बोला था ना कोयला बहते हुए पानी में दे दो वो मत करो, हाँ नहीं करने से भी होगा, ठीक ओके है, और ओ सॉरी सॉरी उसका हाँ कुआ नंबर से आ गया वन नंबर 8 है ना, 3, 8 8। हाँ कुआ 8 8 8, कुआ अगर कुआ से उसको वाइब्रेशन मिल रहा है तो उसको राहु का वो नहीं करने से भी हो जाएगा, ओके बहुत बहुत मैंने बोला था धन्यवाद आपको मैडम। फाइनेंस,
परसेंट सही बोले फिनेंस। नायक जी? हाँ या बहुत हद तक, पर स्पीचुअल में मैम सर जैसे है इसको, सर मतलब ऐसे कितना, एक के लिए इतना टाइम क्यों है? व्हाई कंसल्टेट? डॉक्टर हेलो साहब, एक के लिए यही है कि ये टीटीसी प्रोग्राम है, जब तक एक का पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक है, हम अब 5 मिनट में कंसल्टेंसी कर देंगे, लेकिन आदमी सोच के करता है, क्योंकि हमने नॉर्मोलॉजिस्ट बनाने का काम करते हैं, तो इसलिए जो है टाइम लगता है। हाँ सर, बोलिए। हाँ मैं क्या बोलती हूँ, जैसे भी स्पिरिचुअल का पता है ना, तो ऐसे भगवान के तो ऐसे वो कम मानता है ये, ऐसे मतलब धर्म ध्यान का है, लेकिन अभी ऐसे नहीं, वो इसमें मतलब कितना परसेंट इन्होंने सही बताया? 80-90% वो काफी हद तक, काफी हद तक, एक तो हाँ काफी हद तक सही है, डीप विद्या थिंकर ये बगल सोच जी, के। आपने जो जो गलती किया आपको क्लास में बता दिया जाएगा। दूसरा कंसल्टेंसी, दूसरा डेट ऑफ बर्थ बताइए कोई। अजीत सिंह छाबड़ा जी जो है उनका करेंगे। डेट ऑफ बर्थ कोई बता सकते हैं? यस यस सर, 25 अक्टूबर। जिनका कैमरा ऑन है वही डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर 1985 नाइनटीन 85 एटी फाइव जैनेन्द्र प्रताप सिंह, नाम का स्पेलिंग बताइए। JAIN JAIN ENDRA ENDRA DRA प्रताप, PRATAP, TAP TAP सिंह, TAP सिंह SINGH। हाँ, अभी जो है अजीत सिंह छाबड़ा जी, इनका डेट ऑफ बर्थ देखिए। सर ये 25 अक्टूबर है, 25 दस, अक्टूबर है, यस सर 1985, पच्चीस दस 1985। सर अजीत सावरा जी इनका देखिए। जी सर। मैडम नमस्कार जी। नमस्ते सर, जैनेन्द्र, आपने नाम बताया जितेंद्र प्रताप सिंह, 25 10 जे जे जैनेन्द्र, आ हाँ हाँ जैनेन्द्र जैनेन्द्र प्रताप सिंह, ठीक है। ये हस्बैंड है आपके? हाँ जी मेरे हस्बैंड है। बिजनेस करते हैं मैडम ये? नहीं सर, जॉब करते हैं, जॉब कर जॉब करते हैं, बिजनेस के लिए भी सोच रहे हैं। ड्राइवर का कंडक्टर क्या है इनका? इनका सर ड्राइवर और कंडक्टर है 7 और 4, केतु जी सर, और राहु ठीक जी सर, जी है। और जी खर्चीले हैं आपके पतिदेव? हाँ बहुत बहुत खर्चीले हैं। बहुत खर्चीले हैं, आप भी नहीं कंट्रोल करते हैं? मैं नहीं कर पाती, मैं थोड़ी कंजूस हूँ। आप कंजूस हो पर आपके पतिदेव का ये आपको बता देता हूँ, दिमाग बहुत तेज है। इनको पता है हाँ पैसा कहाँ से आता है, ठीक वो तो है, है, वो लाइन ही कैसे वो है कमाना है। हाँ बिजनेस में जा सकते हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये बिजनेसमैन होंगे। बिजनेस सर, लेकिन में हाँ बिजनेस फलता जी, नहीं है ना, दो तीन जगह तो ऐसे नहीं ही पैसे हमारे देखिए अटके पड़े। वो देखिए कारण क्या होता है, टेस्टिंग होती है कई बार ना हर इंसान की। अगर भगवान ने किसी को पैसा देना है ऐसे फर्स्ट चांस में पैसा मिला होता तो 140 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की है तो हर कोई करोड़पति होता है। हर किसी की चाहत होती है बिजनेस करना, पर कईयों के ग्रह की शक्ति होती है कि वो कर सकता है, बट कई बार टेस्टिंग होती है, कुछ अपने कर्म भी होते हैं। और मेरे हिसाब से आपके पति देव का बस थोड़ा सा इमोशंस पे अपने कंट्रोल रखें। कई बार हाँ जैसे पैसा देते हुए, किसी को उधार देते हुए, मतलब
मतलब होता है ना कई बार कि सोच समझ के पैसा उधार देना, कभी भी मार्केट में देना, ठीक वो है? नहीं कर पाते हैं। हाँ, वो सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि इनमें बचपना भी है थोड़ा आपके हस्बैंड में, ठीक है? और इमोशनल जी हम हैं। इमोशनल भी हैं। देखिए, बिजनेसमैन के लिए माइनस पॉइंट क्या रहते हैं, एक तो उसे इमोशंस पे अपने कंट्रोल रखना है, ठीक है? लेन देन बिल्कुल प्रॉपर रखना है। और जो बचपना है, बचपना क्या होता है, कई बार सडनली डिसीजन नहीं लेना, ठीक है? जी आपके पति देव की चाहते बहुत है, मतलब इनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा है इनकी। हाँ, सपने बहुत देखते हैं, हाँ, ये बहुत करना वो बड़े करना। बड़े सपने देखते हैं, वो हाँ हो भी जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। इनका चार्ट मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है। एक आप मुझे 2 सेकंड और दे दीजिए, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ कौन सा ग्रह के इनको अगर ये करेंगे तो वो ठीक रहेगा इनके लिए। ओके सर, थैंक यू सर, बता दीजिए। 5 बस इनको ना लाइफ टाइम कोई गाइडेंस की जरूरत रहेगी। वही तो नहीं मिल पाता ऐसा सही हाँ, से। गाइडेंस के लिए देखिए कुछ, मतलब किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं वैसे आपके हस्बैंड? सर पहले तो एजुकेशन में डाला तो वो ठीक लगभग कोरोना या डूब गया। है, फिर चार इन्होंने कुछ वो बिजनेस फाइल, ये चेंज, चार बिजनेस चेंज कर चुके हैं। बिजनेस चार का बिजनेस, नंबर जो होता है वो ये जब भी ये डबल हो तो समझिए इसको माइनस कर देंगे तो वहां से निकल जाएगा कि जा तक कितने जो है बिजनेस अभी तक किया है, चार हाँ सर लगभग चार में बिजनेस लगा। चेंज कर हाँ सर चुका है और जा लगभग तक 5 जगह पैसा भी डुबा चुका है। हाँ सर लगभग तीन चार तो कर ही चुके हैं और सब में पैसे फंसे ही हुए हैं। हाँ, आगे बढ़िए, अरे आगे बढ़िए जी, सही जा रहे हाँ जी, हैं। ठीक है। इनका मेन देखिए, एक मिनट दीजिए मेरे। अजीत जी कुछ हाँ कहिए, जी, हाँ जी, इसको ज्यादा कीजिए, अभी हाँ तक नहीं, आप मैं कुछ, नहीं है। हाँ जी, मैं कुछ देख रहा था बस इनको। देखिए, मेरे हिसाब से तो इनका शुक्र के उपाय करने चाहिए इन्हें अपनी लाइफ में। और अगर मीडिया में ट्राई किया कभी इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी तरह का मीडिया में ट्राई किया बिजनेस के लिए? सर मेन इनका काम 3D का ही है, कंप्यूटर पे बैठ के ठीक लगभग डिजाइनिंग करना है, तो जी, तो मेरे मीडिया हिसाब में से तो तो अगर ये इसको बूस्ट करेंगे बिजनेस में तो इनको सूट करेगा इस चीज को। लगभग जैसे सर मतलब ये जॉब ही करते हैं, जैसे घर का जो 3D हम लोग आजकल बनाते हैं ना, ठीक है, डिजाइनिंग ठीक करना, तो है, वही ठीक इनका काम है इलेक्ट्रिकली। है। हाँ, हाँ ठीक है। मतलब इसमें बस ये है कि अपना बस ये मेन है कि बिजनेसमैन की क्वालिटीज ये होती है, देखिए, सोच समझ के डिसीजन लेना, कुछ भी डिसीजन लेना। और ये उठते हैं सुबह टाइम से? नहीं, लगभग नहीं लेट उठते। सोते हैं और लेट जगते हाँ, हैं। थोड़ा इनको अपना सुबह का शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, उसका इनको बेस्ट रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। इनकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, हेल्थ भी ठीक वो रहेगी। जी हाँ, हेल्थ इश्यू तो नहीं है इनको कोई? हाँ रहती है, कभी कभी पेट में प्रॉब्लम रहती है, दर्द होता है, और एक तरफ शायद ईयर में कुछ प्रॉब्लम ईयर में इनका रहेगा, ठीक है। है। इनको जैसे देखिए, एक तो राहु के उपाय करने चाहिए, जी अगर इनको ऐसा कोई इश्यू आ रहा है ना, तो राहु का इनका उपाय करने चाहिए। उनका राहु का ही फेस चल रहा है इनकी लाइफ का, 35 ईयर्स के बाद राहु का इनका फेस चल रहा है। कोई नॉन वेज और एल्कोहल तो नहीं लेते आपके पहले लेते थे और अब लगभग छोड़ दिए, 1 महीना हो गया मेरे ख्याल से। हस्बैंड? चलो, 1 महीना ही हुआ है अभी, तो कुछ मैंने ज्यादा हाँ समय मैं नहीं हुआ। हाँ हाँ, हाँ आगे इस पे मैंने कंट्रोल फोर्स रखें, ठीक किया है है? नहीं, ये छोड़ बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो वाइफ का है ना, हस्बैंड की लाइफ दिया। में बहुत अच्छा पार्ट होता है। एक कहते हैं ना, सर ये म्यूट करवा दीजिए प्लीज ना, पति को। हाँ म्यूट कर लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। हाँ बोलिए। एकता जी का आ रहा है सर ये आवाज ना, म्यूट होगा। अनम्यूट करके बोल सकते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, आपका जो आपका इनकी लाइफ में रोल रहेगा, आप हाउसवाइफ हैं या आप भी वर्किंग है मैडम? नहीं सर मैं भी पहले पढ़ाती थी, अब हाउस वाइफ हूँ, और फिलहाल अभी तो अकल्ट में मैं भी ट्राई कर रही हूँ। हाँ जी, सावर जी क्या हुआ?
कैमरा बंद करके कोई आदमी अपना नोट नहीं देखेंगे। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ जी मैम, क्या बता रहे थे आप? मेरा एक्चुअली एक कॉल आ रही थी बीच में, आप क्या बता रहे थे? वर्किंग है आप? मैं सर अभी तो हाउस वाइफ हूँ और अभी मैं अकल्ट में मैं भी ट्राई कर रही हूँ, मतलब एक दूसरे से सीख रही हूँ। ठीक है। देखिए आपके हस्बैंड का चार्ट तो अच्छा है, क्योंकि हेल्थ के लिए इनको राहु के उपाय करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में। राहु का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? सुबह टाइम से उठना, ठीक है। जी। और इनकी ड्यूटी आपने हेलो हेलो सर, हाँ साउंड जी, नहीं आ अच्छा रहा। मैं ये कह रहा था कि ये जब उठे इनकी सबसे पहले ड्यूटी लगाई है अपने हस्बैंड की, प्रताप जी की, कि ये अपना बिस्तरा जो है अपने आप सेट करेंगे, आपने नहीं करना, अच्छा ठीक है ठीक सर। है। इससे इनका राहु के जो इम्प्रेशन है इनकी लाइफ में अच्छे रहेंगे। बाकी जो भी उधार देना है या कुछ भी करना है, चाहे बिजनेस या बिजनेस से बाहर भी, यारी दोस्ती पे कंट्रोल रखना है इनको। अपनी यारी दोस्ती से मुझे लगता है ये जैसे एक्सपेंसिव हो गए या कुछ भी इनका है ना पैसे का मामला, वो पड़ सकता है, ठीक है। यारी दोस्ती बिजनेस से अलग रखनी है। बाकी शुक्र के भी उपाय कीजिए, आप दोनों मिलकर शुक्र के उपाय कीजिए, आप दोनों की मैरिड लाइफ बहुत आगे सक्सेसफुल रहेगी। और इनको गाइडेंस की जरूरत। हाँ जी, मैरिड लाइफ तो सर फिलहाल ठीक है। जी नहीं आगे के लिए भी ठीक रहेगी। देखिए अभी भी ठीक है, आगे भी ठीक रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करते रहना है ना, नॉन सर, वेज को। हाँ जी जो ठीक प्रॉब्लम है ना, मतलब रिलेशन में तो हम लोग को नहीं है, जो है। प्रॉब्लम ये बाहरी है, जो ये फंसता है या फिर इमोशनली बहुत है, कोई भी एक बार रो दे तो कर्जे लेके दे देंगे, लेकिन दे देंगे। हाँ बस उसी चीज पे कंट्रोल करना पड़ेगा ना। देखो आप लोगों की, आप दोनों की ट्यूनिंग अच्छी रहेगी तो आप भी एडवाइस कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप दोनों शुक्र के उपाय कीजिए। शुक्र में कुछ नहीं है ज्यादा, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के आगे आप जाके पूजन भी आपकी विधि है आपके यहाँ जो अपनाते हैं विधि, और सफेद चीज का भोग लगवाइए माता को, किसका ठीक है। भोग सर? सफेद चीज जैसे खीर हो गई या बर्फी हो गई, उसका भोग ठीक लगाइए, ठीक है। है सर। और इससे क्या होगा, आप दोनों की मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, आपकी बात सुना करेंगे हस्बैंड और ज्यादा, अभी भी सुनते होंगे आगे भी सुनेंगे, ठीक है। सुनते और हैं सर। हाँ आगे अभी भी सुनते होंगे आगे और अच्छा रहेगा आपका। बाकी ये है कि पैसे के लेन देन में परहेज रखना है, हेल्थ के लिए इनको राहु के उपाय करने पड़ेंगे। और एक इनका मेजर उपाय है जो इनको लाइफ टाइम रखना है, कि बाहर के गली के जो आवारा कुत्ते होते हैं ना आपके घर के आसपास, ठीक जी। है, उनकी। हेलो हेलो ये आपके हस्बैंड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी उपाय सर, है अभी लाइफ टाइम के सर लिए। सर साउंड मिस हो गया, क्या बोल रहे थे हाँ कुछ मैं ये सर? कह रहा था जो गली के आवारा कुत्ते होते हैं ना जो बाहर होते हैं, ठीक जी है, उनकी सेवा करें, लाइक उनको फीडिंग करें या कुछ भी, कोई चोट लगी हो तो उसका इलाज करवा दें, कुछ वो भी तो सर पानी। वो, हाँ हाँ वो सर करते हैं, बल्कि खुद हाँ पाल हाँ रखा 3-3 कुत्ते। मुझे और लग ही रहा था आपके हस्बैंड एनिमल लवर हैं, तो हाँ सर ठीक है। ये और जैसे गर्मी में आप पक्षियों के लिए भी पानी का इंतजाम कीजिए, ठीक है। वो मैं रखती हूँ सर। बहुत हाँ पानी का इंतजाम कीजिए, बाकी मेरे हिसाब से ठीक है थोड़ा। बहुत धन्यवाद अजीत सर जी बताने के लिए। हमारे कितना परसेंट आप दे सकते हैं मैडम आप इनको? सर मैं थोड़ा सा बिजनेस के लिए जाना चाहती हूँ, अगर करना चाहे तो, मतलब कौन सा लाइन बर? देखिए इसमें जो है, इस पहले इनको बता दीजिए अजीत सिंह जी को कितना नंबर देना चाहते हैं, 5, 10, सर 90? सर 10 में से 9 लगभग सही है, मतलब सही है। देखिए अजीत जी, इसमें से आपको 24 नंबर, हमारे हिसाब से जो 56 नंबर आया, 24 नंबर जो है, आप जब भी जातक का एक और आंख देखते हैं और ठीक है स्ट्रोंग ठीक पोजीशन में देखते हैं, आपने उनसे पूछा कि आपके हस्बैंड सुबह में उठते हैं कि नहीं उठते हैं, एक आंख जहे भी देखना है, आंख बंद करके क्लाइंट को बताना है कि तू जो है सुबह 6 बजे नहीं उठता है, फिर स्थिति में आदमी कमजोर कर ही लेगा वो, चाहे परिस्थिति कोई भी हो सकता है, नाइट जॉब करे या नाइट जॉब नहीं भी करता है तो सूर्य को वो स्ट्रोंग नहीं रख सकता है। जब एक और आंख अच्छी स्थिति में है, तो जब ये चार्ट में आपको दिख रहा है तो क्लाइंट को डायरेक्टली बता देना है। बिजनेस के बारे में अभी आपको नहीं पता चला है कि बिजनेस जो है कितने जगह सस्ता है, मतलब कि एक आदमी काम करके छोड़ा है तो चलिए वहां पे तो आपको 0 ही मिला, तो वो तो कोई अभी पढ़ाई नहीं हुआ है। दूसरा आपने जो गलती किया यहाँ पे जो है, 7 साल में आपने बोल दिया कि लाइफ टाइम गाइडेंस की जरूरत होती है, लेकिन एक चीज है कि इस आदमी का बिजनेस अगर नाम सेट पे नहीं होगा, अगर हस्बैंड वाइफ का, तो ये चीज ज्यादा दिक्कत देगा। बिजनेस जो भी करेंगे कहीं से भी आप,
उसका नाम दोनों के हिसाब से सेट कीजिए, और ये जहां तक अपने नाम पे कभी भी अगर बिजनेस करेगा तो सफल नहीं होगा। इसमें देख लीजिए कि इसके बच्चे में, क्योंकि तो इसमें सिक्स नंबर नहीं है, कहीं से नहीं आ रहा है, इसके बच्चे में जब भी हुआ होगा, सपोज के पहली अगर बच्ची अगर लड़की हुई है तो उसके जन्म के बाद इसका भाग्य उदय होगा। या लड़का तो है सर पहला, हाँ ये बता रहे हैं, लड़का लड़की के बारे में हम नहीं बता रहे हैं, तो बता देंगे यही कि लड़का एक लड़की है, लेकिन अगर लड़की का नाम जो अगर सिक्स नंबर, क्योंकि शुक्र कारक होता है लड़की का, तो जब भी वाइफ का या बच्ची का, उस दोनों के नाम पे जब तक वो नाम नहीं रखेंगे, उसके ड्राइवर कंडक्टर से कंपेटेबल नहीं होगा नाम बिजनेस का, तब तक वो नाम सफल नहीं हो सकता है। ठीक है, मेरे में सिक्स आता है सर। अजीत जी समझ गए? हाँ जी सर, हाँ जी। वैसे मेरे को ना इनके हस्बैंड का शुक्र अच्छा लगा। अपने को क्लाइंट को बताते वक्त में ये चीज जो है ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप लड़का लड़की का तो वो तो एक मिनट में पता चल जाएगा कि लड़का है या लड़की है। यहाँ पर पितृ दोष के कुछ फॉर्मूलाज बताए थे सर, इससे प्रॉपर्टी का ये हम भी आपसे बात नहीं कर, एक मिनट दीजिए, बस बता देंगे, बस उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है। अजीत जी यहाँ पे चार नंबर है, पितृ दोष के जो फॉर्मूलाज बताए थे वहां पे इनके कुल देवता की भी पूजा प्रॉपर ढंग से नहीं होता होगा, यानी कि चार नंबर जो है यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इनकी कुल देवता के पूरा पूजा नहीं होने के कारण भी इसके भाग्य में बाधा डालने का काम कर सकता है। तो आप कमेंट से ये भी पूछ सकते हैं कि मैडम जो है कुल देवता की पूजा होती है कि नहीं, या करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर साल निकालेंगे, अगर ये बोलते हैं कि करते हैं, तो डायरेक्ट इस दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी कि इन्होंने अपने कुल देवता के पास में 5 से 6 साल के पहले ही गए हैं, 5-6 साल के अंदर में कुल देवता के यहाँ पूजा नहीं किए हैं, ये डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर क्लाइंट बोल रहा है 1 साल में, तो वो झूठ बोल रहा है, या तो उसको पता नहीं है कि हमारा कुल देवता कौन है, क्योंकि न्यू जनरेशन में आदमी को यह भी पता नहीं होता है, मंदिर को ही बोलते, कोई भी मंदिर गए बोले हम कुल देवता के यहाँ से होके आए हैं। तो ये कंडीशन में इस चीज को जब भी आपको ये दिखता है तो आप बोल सकते हैं। अब बताइए मैम, क्या बोलना चाह रहे थे आप? सर मैं पूछ रही थी कि जैसे प्रॉपर्टी का क्या है, इसमें योग कुछ दिखा रहा है? प्रॉपर्टी का योग है, कोई दिक्कत नहीं, विरासत में भी 10 संपत्ति मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर एक डेट ऑफ बर्थ लीजिए ऐश्वर्या की। तो अजीत साहब समझ गए क्या 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 प्रॉब्लम हुआ, कहाँ कहाँ फंसना है, कहाँ कहाँ निकलना है? अजीत सिंह छाबरा जी हुए। अब जो है विशाल चौहान जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। विशाल चौहान जी जो है इनका प्रिडिक्शन जो है ये करेंगे विद्या जी। विशाल चौहान जी के बारे में बता देते हैं, ये हमारे जो है 2019 के बैच के स्टूडेंट हैं। उस वक्त हमारे पास पीपीटी ज्यादा नहीं था, तब पर भी उन्होंने करीबन 7 महीने या 6 महीने का नॉलेजी का। विशाल चौहान जी है कि चले गए? हाँ सर नमस्ते, हो ना? नमस्ते नमस्ते, कैमरा ऑन कीजिए सर, थोड़ा बाहर हूँ मैं, जस्ट बोल सकता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 5th of April। 5th April 1987। बाकी लोगों को म्यूट करिए ना, बहुत आवाज आ रहा है। बाकी सब आदमी को म्यूट कर देंगे। क्या डेट ऑफ बर्थ फिर से बताइए? 5 अप्रैल 1987। विद्या ओझा जी इनका देखिए डेट ऑफ बर्थ 87 सर, 87। और अप्रैल, 5 अप्रैल। इनका दोस्तों की इनका चार्ट जिससे भी प्रेडिक्शंस करते हैं आप उससे कर लीजिए। 200 ग्रिड से प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, चार्डियन का प्रिडिक्शंस करना चाहते हैं, जिससे भी प्रिडिक्शंस करना चाहते हैं उस हिसाब से प्रिडिक्शंस कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि लोसो ग्रीड का ही आपको बताया गया है, चांद्रयान प्रिडिक्शन जो भी करना चाहते हैं आप कर लीजिए। यहाँ पे आपको विद्या जी को ये बताना है कि इनके वास्तु में प्रॉब्लम एक्स्ट्रा जो बताना है, वास्तु में कौन सी प्रॉब्लम है। प्रिडिक्शन तो करेंगे, और सर हमारा कब नंबर आएगा? आ जाएगा सर, अभी ही आ जाएगा थोड़ी देर में। सर इनका नाम क्या था? इनका नाम है विशाल चौहान। उनके नाम पे आपको नहीं जानना है, सिर्फ प्रिडिक्शन कीजिए, क्योंकि जो जिन्होंने 6 महीने का न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है वो अपना नाम जरूर चेंज कर लिए होंगे। अच्छा नमस्कार विशाल जी, नमस्ते मैम। आपका डेट ऑफ बर्थ है 5/4/1987 का, एम आई राइट? हाँ यस मैम। ओके सो आपका ड्राइवर नंबर आया 5 है और नंबर 7 है आपका कंडक्टर नंबर, 5 और 7 कॉम्बिनेशन है। उसके हिसाब से आप बहुत एंजॉयबल हो और आप अपने विचार के ऊपर कंट्रोल नियंत्रण थोड़ा कम है, आपका विचार के ऊपर सोच के ऊपर थोड़ा नियंत्रण कम होगा। आपका लाइफ में सक्सेस होंगे आप और अच्छा आपको लाइफ में सक्सेस आप होंगे, लेकिन आपका लाइफ के लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको भगवान के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। भगवान के ऊपर विश्वास ही आपको आगे ले जाएंगे। वो तो सही है मैम, वो रखता हूँ मैं। हाँ और कल साइंस आपके लिए अच्छा होगा और लाइक सोशल सर्विस लाइक एनजीओ एंड ऑल ये सब में आप अगर ज्वाइन करो तो आपके लिए अच्छा होगा, और बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर भी आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। आपका हेडेक होता है लाइक हेड में मीन्स हेडेक है शायद आपको? ऐसा नहीं, हेडेक टाइप कोई नहीं रहता है, लेकिन मेंटली जो कुछ बिजनेस रिलेटेड इशू रहेंगे और उसके वजह से थोड़ा ये रहता है मेंटल इशू, बाकी ऐसा कुछ नहीं, या फैमिली रिलेटेड कुछ रहेगा। अच्छा आपको और कुछ पूछना है? और बिजनेस के रिलेटेड के बारे में एक मिनट विशाल जी, इनके नेचर्स के बारे में बताइए पहले आप। क्लाइंट पूछेगा आपको आता क्या है, वो जानता है कि आपको क्या आता है, पहले आप इनके बारे में कुछ बताइए। जितना हमने आपको बताया है पूछना, वो बच्ची वाली क्लासेस मत कीजिए कि हमारा हमको भूत लगता है तो जो है ये काम कर लो। ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा वो आप लिख के देंगे क्या, पहले इनके बारे में बताइए कि वो सही है या गलत है। सर ये ना आप चीजों को अच्छा से समझता है और लाइक वो ट्रूथफुल है आदमी, और कोई कोई जो काम शुरू करने के बाद लाइक उसको खत्म करने में थोड़ा लाइक प्रॉब्लम होता है कोई अगर काम शुरू करे तो, लेकिन लास्ट में जाकर उसका दिमाग को विचार जो है ना वो अच्छा ही काम करेगा, जो कोई में वो जाके काम करेगा। और उनका जो नंबर नंबर 3 उनका मिसिंग है, पढ़ाई उसका कंप्लीट मेरे हिसाब से नहीं हुआ होगा, और अगर हुआ भी हो लाइक उसका मीन्स यूटिलाइज अच्छा से वो नहीं कर पाएंगे। फिर क्लाइंट आपको गाली देगा, आप ऐसे बात करेंगे लगी हुआ, आप ये डायरेक्टली बोलिए कि क्या सही है। देखिए 3 नंबर जब चार्ट में नहीं होता है तो क्लियरली बताना है कि आपके पास में जो एजुकेशन आपने प्राप्त किया है वो एजुकेशन के हिसाब से आपको जॉब नहीं मिलेगा। फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2, सुबह उठने वाली कंडीशन और शनि की पूजा इसमें कंपल्सरी होगा और सुबह उठने वाली प्रॉब्लम होगा। तीसरा आप यहाँ से बता सकते हैं पैसा कितना जगह फंसा हुआ है, 4-5 चीज तो ऐसे ही बता सकते हैं इसको। पैसा 2 तो वो चीज आप बताइए ना जो घटित तो हो चुका है, पहले वो बताएंगे तब तो।
बहुत प्रैक्टिकल है ये और हार्ड वर्किंग भी है, और लाइक पैसा मैंने बोल दिया सर। ओके कितना परसेंट विशाल जी जो है आपको सही बताए, आप क्वेश्चन पूछिए आप। ठीक है, उन्होंने ट्राई अच्छा किया उनका, थोड़ा प्रैक्टिस की शायद कमजोर था लेकिन ठीक है। और मैं कुछ बातें पूछ, 29 या 30 क्लासेस हुआ ही है। अच्छा ओके ओके ठीक है, तो एक पूछना था बिजनेस रिलेटेड कैसा रहेगा सर। आपका जो ड्राइवर नंबर है ना, उसी हिसाब से आप बिजनेस ही करो तो आपके लिए अच्छा होगा, जॉब से ज्यादा अच्छा बिजनेस होगा। ओके बिजनेस में हूँ मैं अभी, लेकिन जो आप गुरु सर जो बता रहे थे पैसों के बारे में, जो दिक्कत आती कहाँ कहाँ फंसा है, तो वो बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि जो पैसा बहुत जगह पे ऐसा है कि अटका हुआ है, रिटर्न मिलता ही नहीं वो, और उसके हाँ, और जो उन्होंने 8 और जो नीचे का 1 का जो बताया था उन्होंने कि जो सुबह उठने की दिक्कत है वो तो है ही है, लेकिन शनि की पूजा जो बोलते हैं, मैं शनि की पूजा हर सैटरडे करता हूँ, शनि मंदिर नजदीक है तो वहाँ पे जाके शनि की डेली पूजा करता हूँ। अच्छा आप और ना शनि आप कर सकते हो, और शनि के लिए आप शनि के लिए विद्यादि क्यों बता रहे हैं, शनि कमजोर है बच्चा का, हे भगवान शनि है तो, लेकिन वो कर रहा है इसलिए। हाँ सर वो तो मजबूर है इसलिए तो मैंने सोचा, वो तो कर रहा है ऑलरेडी, नहीं करने से भी होगा। भाई किस चीज का करना है, तो नंबर 6 का करना है सर। और नंबर 6, नंबर 2 और उनका जो नंबर 5 है उसको स्टेबल करना पड़ेगा, वो थोड़ा स्टेबिलिटी कम है, नंबर 5 डोर पर आ रहा है, और नंबर 3 के लिए गुरु का, नंबर 6 के लिए उनको दुर्गा पाठ लक्ष्मी पाठ ये सब करना पड़ेगा, और स्फटिक का माला भी पहन सकता है वो। नंबर सबसे पहले जो है उनका हम नंबर देंगे आपको लेकर, पैसा फंसने वाला जो आपके पास है ना तांत्रिक टेक्नोलॉजी में, पैसा जो फंसता है तो कैसे निकाला जा सकता है वो रेमेडीज उनको दे दीजिए, वो काम करेगा, यहाँ पे वो रेमेडीज काम नहीं करेगा। ठीक है, ठीक वो रेमेडीज जो है वो दे दीजिएगा। और यहाँ पे हमने ये क्लासेस में बताया इस डेट ऑफ बर्थ में, एक चीज ध्यान रखिएगा कि सब नंबर जो है सिंगल सिंगल वार है, लोसो किट का चार्ट बनाए हैं, हाँ बनाया है, सिंगल सिंगल बार हो और कम नंबर मतलब खाली हो, यानी कि 2 घर खाली हो या 3 घर खाली हो, सिंगल सिंगल नंबर भरा हुआ हो तो समझिए उतना चार्ट वो खराब स्थिति में है। ठीक है, तो इसको एक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे कि इसमें पैसा फंसने का योगदान जो है, क्योंकि सॉलिड ऊपर वाला नंबर भर रहा है, पैसा फंसेगा, हेल्थ इश्यूज तो होगा नहीं क्योंकि 4, 9, 2 तीनों है इसमें, तो पैसा तो फंसेगा नहीं उस जातक का। अब क्या है कि अगर पैसा नहीं फंसेगा, सॉरी पैसा फंसेगा ही जातक का, तो 6 का रेमेडीज करेंगे, तो 6 फिर पैसा देगा, लेकिन फंसने वाली जो रेमेडीज है वो तांत्रिक वाले जो हम आपको बताए हैं वो उनको दे दीजिए, वहां पे वो काम करेगा। और विशाल जी दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, मैरिज रिलेटेड पूछना था कैसा रहेगा वो, मैरिज रिलेटेड। हाँ आपको तो बीवी तो होने वाली है क्या क्या गुरुजी ने नहीं मैनेज में कोई इश्यूज नहीं है यहाँ पे, थोड़ा मोड़ा आपको ही थोड़ा सा जो है दिमागी हालत जो है ना कंडीशन थोड़ा सही करना पड़ेगा, अदरवाइज मैनेज में कोई इश्यूज नहीं था। अच्छा सर इनका तो नंबर 7 2 बार आया है ना ग्रिड में, इसके लिए ये ना अपना कुछ होकर ही वो बाद में ये रियलाइज करता है, वही बात उसको ठीक करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम होने के बाद ये रियलाइज करता है वो नंबर 7 2 बार आने की वजह से हो रहा है उसके लाइफ में, मनी हो या लाइक पर्सनल लाइफ हो जो भी हो, पैसा भी फंसा हो। हाँ उसको तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्या बोले गुरुजी, सवाल है वही जो आप हंसते हंसते बोले ना गुरुजी कि आप 2 शादी होने वाले, ऐसा बहुत लोगों ने मुझे को बताया कि ऐसा ऐसा आपका दिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप 2 शादी मत करिए फंस जाएंगे, अब होगा वो चीज हमको भी पता है लेकिन पब्लिकली बता नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ चीज पर्दे के अंदर होता है, मतलब कि हंसी खुशी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, शुक्र मतलब कि नहीं है तब पर भी 4 और 3 जो 4 और ये 8 जो है
वो एक्टिव है तो उस स्थिति में आता है, और अपने से उम्र में ज्यादा लेडीज आती है, अपोजिट सेक्स आता है, तो कभी भी घर तोड़ना नहीं चाहिए। और कुछ चीज होता है आदमी में तो वो सब ख्याल समाज के स्तर पे देखते हुए करना चाहिए। मुस्लिम है तो कर सकते हैं, हिंदू है तो जिस कास्ट में आप रहते हैं उस कास्ट को ध्यान में रखते हुए कीजिए। सर हाँ बोलिए। हेलो सर, इनका कुआ नंबर 7 आया है। हाँ तो इसका जो लाइफ है ना उसमें लाइक निराशा होगा, निराशा ये बहुत मींस अपसेट रहता है लाइफ में। और मनी में भी उसको धोखा मिलेगा, शादी तो ऑलरेडी कर लिया फिर भी उसको वो जो बोल रहा है उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम उसको मिल सकता है, वो क्वेश्चन रेज किया इसलिए बोल रही हूँ। ओके बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। विशाल जी कितना परसेंट सही बताएं आपको? 60% के आसपास उन्होंने अच्छे ठीक बताए। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए सर। हाँ 27 फरवरी 1991। हाँ आते हैं, आप पे भी आते हैं, टेंशन मत लीजिए। सर मैं कुछ पूछ रही हूँ चांदी जी, और कोई डेट ऑफ बर्थ है तो बताइए अभी। डेट ऑफ बर्थ है कि नहीं कहा सर? मेरी देखो ना आप, मैम क्लास में है, क्लास में देख लिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। और कि नहीं कहा ऐश्वर्या? हाँ डॉक्टर साहब डेट ऑफ बर्थ बताइए, आप कहाँ गए आप? हेलो हाँ बोलिए जी। सर कौशल कुमार बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। सर डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त। आपका कैमरा ऑन है जी? सर कैमरा ऑन है सर। ओके बताइए डेट ऑफ बर्थ। 10 अगस्त 1976। 10 अगस्त 1976। 10 अगस्त 1976। अब बताइए 10/8/1976 इनका डेट ऑफ बर्थ है। इनका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर पहले निकाल लीजिए कितना है। 15 आप आगे बताइए। प्रेडिक्शंस कीजिए विद्या जी। कॉम्बिनेशन है बोलिए वन और पांच का कॉम्बिनेशन सर तो क्या है? हेलो हाँ बोलिए प्रेडिक्शंस कीजिए। सर लाइफ तो सक्सेसफुल होगा और उसका मैरिज लाइफ भी अच्छा ही होगा, और हो या कर रहा होगा वो बिजनेस वो अच्छा ही होगा, अच्छा ही चल रहा होगा या जॉब हो, लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होगा। सॉरी 1-5 का कॉम्बिनेशन देख के बता दिया बंद करके। अब ग्रीन को देखिए, ग्रीन में सिंगल सिंगल नंबर पे ध्यान दीजिए, रिपीटेशंस और सिंगल पे ध्यान दीजिए, ड्राइवर और कंडक्टर जो है आप पढ़ के जो है उसी को मत बता दीजिए, ग्रीड को भी देखना पड़ता है अपने को। सर उनका जो ग्रीड में 1 नंबर 3 बार आया है इसलिए वो बहुत सेंसिटिव होगा, और उनका वो बात कभी ऐसा कर देगा वो मिस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने मुंह पे तो बात। नाम क्या है? कुशल कुमार। कुशल जी
जी कौशल कुमार। कौशल कुमार आपका आपका आप हैं कहाँ पे? मैं हूँ यहाँ सर। ओके कौशल जी, अभी आप जी बताइए सर। कि क्या मतलब कि सक्सेसफुल है या स्ट्रगल है लाइफ? स्ट्रगल सबके लाइफ में होता है, ऐसा नहीं है हमारी लाइफ बहुत में स्ट्रगल है स्ट्रगल। सर। सर स्ट्रगल तो होती है सर। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रगल में हूँ। स्ट्रगल आप सक्सेसफुल कैसे बताएं विद्या जी? ड्राइवर और कंडक्टर नंबर 1-5 देख के अभी तुरंत विशाल जी में समझाएं आपको। सर नंबर 1 का रिपीटेशन बहुत है और नंबर बहुत 8 दो बार तो नंबर 1 है, बहुत कहाँ है, एक और का नहीं है ही नहीं। सर 1 है, हाँ, 2 बार है, सॉरी। बताइए, प्रिडिक्शंस कीजिए। आंख बंद करके प्रिडिक्शन नहीं करना है, दारू पी के प्रिडिक्शन नहीं करना है हमको। सर उनका जो हेल्थ इशू होगा ना, वो लाइक पैर में या नीज में दर्द होगा, मीन्स हेल्थ इशू वहां पे होगा। और बाकी नंबर 4 मिसिंग है उनका, उसके लिए थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ में कम होगा और रिमेडी करना पड़ेगा। नंबर 3 ही उसका मिसिंग है। हाँ बताइए बताइए विशाल जी। जी बताइए। हाँ जी सर। कौशल जी बताइए, तो क्या बोल रहे हैं? सर लाइफ में डिसिप्लिन तो थोड़ा कम है, लेकिन जो नहीं, ये है पेट दर्द की जो इन्होंने जो बताया हेल्थ के हिसाब से वो बताइए। हेल्थ जी सर, धन की परेशानी हम तो हेल्थ पूछ रहे हैं सर, हेल्थ। है। हेल्थ सर, हेल्थ इशू में सर ब्लड प्रेशर और इस समय शुगर की समस्या है। हार्ट का भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा आप में। हार्ट की भी प्रॉब्लम है मैडम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। आपका आईज का भी प्रॉब्लम है और दर्द है आपका बॉडी जी में, बॉडी में दर्द है, दर्द पैर में या नीज में। नहीं, एक पैर में दर्द है, नींद में तो नहीं है अभी। पैर में बोला वो वहां पे आपका हाँ दर्द है। दर्द। और आपका डिसिप्लिन करके आप राहु का उपाय करो। जी राहु का क्या उपाय करना है? राहु का उपाय आप विद्या जी, 1 मिनट जी देखिए, कभी भी जो है प्लीज अनम्यूट करके घर में लड़ाई कीजिए। अभी देखिए, जब भी किसी क्लाइंट का विद्या जी देखते हैं, देखिए यहाँ से शुरुआत कैसे करना है। इसका ड्राइवर नंबर 1 तारीख को जन्म हुआ है, सूर्य की क्वालिटी, इस जातक का जन्म अच्छे घर में हुआ होगा, सब कुछ इसको मिलेगा, ठीक है। उसमें ड्राइवर 1 और 5 है, यहाँ तक वो सही है कि ड्राइवर 1 5 है, ये कंबिनेशन अच्छा होता है। ये आप जब पढ़ाए थे तो उसमें भी 2-2.5 स्टार मिला होगा, यानी कि ये कंबिनेशन बहुत अच्छा इसको मिला। दूसरा है कि 3 नंबर इस जातक के चाक में नहीं है, तो जिस जो जातक इसने पढ़ाई किया होगा, जो चीज की पढ़ाई पर है, इंजीनियरिंग मेडिकल, वो तो अगर प्रोफेशन निकाल लीजिएगा, उसके बाद वो बताइएगा कि अगर वो पढ़ाई किया है तो उस हिसाब से वो जॉब नहीं कर सकता। तीसरा चीज ये है कि इन्होंने लाइफ पे एक्शन ही नहीं लिया। अगर एक्शन लिया, इसका पैसा डूब गया, पैसा डूबने की कंडीशंस, ये चाक पूरा खाली है, ये 9 जो है 50% ही काम करेगा, तो 7x7 और यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, 3, और यहाँ पे हो जाएगा 7, यानी कि इन्होंने 4 जगह पैसा फंसा दिया है। बैंकिंग सेक्टर में ही इनका पैसा हो सकता है फंसा हुआ। दूसरा है कि इन्होंने लाइफ में
जब भी स्ट्रगल का टाइम आया उन्होंने अच्छे तरह से एफर्ट नहीं डाला उसको मतलब कि सफल करने के लिए। इसके कारण जो है यानी कि इसमें ये भी बोल सकते हैं कि 3 नंबर जातक में ना हो और 6 नंबर अगर जातक में है तो 6 2 बार की जो 2020 के प्रिडिक्शंस में हम अभी बताए नहीं है बताएंगे 3 का काम करता है। तो यानी कि 3 हुआ यहाँ पे और 6 सिंगल बार है। आदमी अकल्ट में जाना चाहता है जा तो सकता है लेकिन इसके इमोशंस के कारण इसका पैसा बहुत ज्यादा फंस जाएगा क्योंकि 7 और 3 का रिपीटेशन अच्छी स्थिति में है। दूसरा है कि चाप में सब सिंगल डिजिट में है। सिंगल डिजिट बहुत अच्छा होता है लेकिन 4 और 3 वो ग्रह अगर आपको सिंगल में आ गया यानी कि पूरे चाप को लेकर बैठ जाता है। ये चीज याद रखिएगा। 1 का रिपीटेशन आप बोल रहे थे बहुत बार कहां से रिपीटेशन भी इसका 2 बार ही है। जॉब का चेंजिंग बहुत ज्यादा रहेगा। बिजनेस रहेगा तो बिजनेस में निगेटिव चला जाएगा और 100% निगेटिव जाएगा क्योंकि लॉ जो है इसकी अच्छी स्थिति में नहीं है। दूसरा जब इनका नाम देखेंगे नाम तो हमने चेक नहीं किया है नाम अगर देखेंगे तो नाम भी इसके जो भी सपोर्टिव 1 और 5 का होता है उस पर कहीं नाम नहीं होगा। सर इनका नाम आया है 48 में आया है। सॉरी नाम 8 में आया है चालदियन से और बैक्टागोरियन उसका 1 आया है नाम। एक आया तो वो प्रॉब्लम। और दूसरा है जो कुमार जो है इनके नाम में KUM वो भी इश्यूज हेल्थ इश्यूज जो दे रहा है वो यही दे रहा है। और 4-9 के कॉम्बिनेशंस 4-9 और 2 के कॉम्बिनेशंस पे जो आपने ये सही बताया लेकिन आप पैन पे चले गए पहले बॉडी के ऊपर के भाग से जाते हैं प्रिडिक्शंस करने के लिए मतलब ये जो प्रॉब्लम्स होता है तो सर से नीचे जाते हैं नीचे से ऊपर नहीं आते हैं प्रिडिक्शंस करते वक्त में। ठीक है तो ये चीज ध्यान क्योंकि नीचे से ऊपर आएंगे पैर रिलेटेड आदमी अगर फिजिकली काम करता है कोई तो बहुत कम होगा। ठीक है तो जब हेल्थ का प्रिडिक्शंस करते हैं तो हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। कौशल जी कितना परसेंट इन्होंने सही बताया या हमने जो प्रिडिक्शन किया वो कितना परसेंट सही बताया? आपका जो है म्यूट पे है कौशल जी आपके द्वारा किया गया प्रिडिक्शन तो बिल्कुल सही है सर 10/10 है। और यही चीज हम उनको ही बता रहे थे बताने के लिए। जी सर तो सर हेल्थ इशू में क्या कर सकते हैं सब थोड़ा नेम पे आपको काम करना पड़ेगा इस पे क्योंकि दोनों जगह आपका जो नाम का शुरुआती जो है ना कौशल उसमें भी प्रॉब्लम है और उधर भी प्रॉब्लम कुमार में भी प्रॉब्लम है नाम पे काम करना पड़ेगा। और दूसरा है कि आप पर चालियन से 35 साल के बाद कोई एक्टिव होगा तो हेल्थ रिलेटेड इशू होगा ही होगा। जी तो क्या किया जाए सर उसपे जो है रेमेडीज करने का 8 नंबर की रेमेडीज जो है वो बता देंगे। रेमेडीज सबका बनता है अलग अलग आदमी के लिए वो ऐसे बता देंगे आपको रेमेडीज का क्या करना है उसपे उसी हिसाब से आप रेमेडीज कर लीजिए। चलिए आज के क्लासेस जो है हम यहाँ पे खत्म करते हैं। कल फिर हम सेशंस को हो सकता है तो लेकर आएंगे कल 2 अलग स्टूडेंट को लेकर आएंगे जिसमें हमको इसमें समझना है किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अगर कोई नोमोलॉजी सीखना चाहते हैं तो लॉसू क्रेडिट का फुल कोर्स जो है 3499 का है आप इसको सीख सकते हैं। 3499 का लॉसू क्रेडिट का फुल कोर्स है और इसमें जो है आपको अगर सीखना है तो 8669178114 इस नंबर पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं। अगर सीखना कोई अगर चाहते हैं तो अगर नहीं सीखना चाहते हैं तो आप प्रिडिक्शंस कल परसों कभी भी अगर आपके पास में टाइम है तो आकर कर सकते हैं। हाँ संदीप जी क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जिनका बच्चा है हम लेंगे ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे। मैं सर एक्चुअली नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते सर एक्चुअली लास्ट मंथ मैंने एक्चुअली मेरा डिटेल भेजा था मोबाइल नंबर पे हाँ। तो उसका बाद बताया गया था कुछ सर आप बताओगे लेकिन उसके बाद कुछ बताया नहीं है। क्या डेट ऑफ बर्थ है मेरा डेट ऑफ बर्थ सर
सर 27/11/1975 1975 पहले तो आप शादी बचाइए, शादी कब की है, शादी जुड़ गया क्या? हाँ जी ओके, तो आप क्या करना चाहते हैं, मतलब कि लोसोगीर पढ़ना चाहते हैं क्या? सर देखिए मेरा तो कुछ सवाल था एक्चुअली, मैं बहुत हडल से गुजर रहा था लास्ट तीन करीब करीब 3 साल से, इनकम भी बढ़िया चल रहा था, लेकिन इज एन अराउंड लॉकडाउन का बाद मतलब 2022 से 21 के बाद बिजनेस थोड़ा ड्रॉप हो गया, और मैं जो बिजनेस में हूँ एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ मैं, ठीक है ना, जहाँ पे लीडरशिप एंड टीम मेंटेनेंस वाला काम होता है, और मेरा सर सवाल कुछ सर आप नेटवर्क मार्केटिंग में 3 बिजनेस चेंज कर चुके हैं, जी सर आपने 3 काम चेंज कर चुका है, टीम चेंज कर चुका है, 3 काम चेंज किए हैं, जॉब करके बिजनेस, फिर जॉब, फिर जी, बिजनेस जी. नहीं सर मैंने पहले जॉब करता था एकदम शुरुआत के करियर के शुरुआत में मैं जॉब करता था, और उसका बाद सर 2008 से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया इंश्योरेंस के साथ, और लास्ट में मैंने इंश्योरेंस भी है मेरा साथ, उसका साथ साथ मैं नेटवर्क मार्केटिंग भी स्टार्ट किया हूँ, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत है सर मेरा कुछ ऐसा मतलब एम्बिशंस मेरा बहुत है। हाँ तो मेरा सर कुछ ऐसा सोचना था, तीन तीन चीज मुझे जानना है, मुझे एस्ट्रोलॉजी मेरे से होगा या नहीं, एज बिकॉज ऑफ मेरा प्लानिंग ये है कि आगे जाके आफ्टर 10 to 5 10 to 8 इयर्स ऐसा कुछ बाद मैं इसको एज ए प्रोफेशन के हिसाब से अभी से मैं सीखने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं कम्युनिकेट में रहने का प्रयास हूँ। दूसरा और दो सवाल सर, जो नॉर्मली होता है सर भूमि भवन भवन एंड फाइनेंशियली एक्चुअली यहाँ पे क्या है सर, नेटवर्क की जो इंडस्ट्री है यहाँ पे लोग लाखों करोड़ों कमा रहा है, मतलब महीने में करोड़ों कमा रहा है, ठीक है ना, तो वो पोटेंशियल मेरे में है, लेकिन मैं इसको एक मतलब वो कर नहीं पा रहा, मतलब आके भी वो निकल रहा है। राहु के कारण हो रहा है। अब मेरा ये जो आप बोल रहे हैं, ये प्रिडिक्शंस के बारे में बता रहे हैं, इस प्रिडिक्शंस के लिए आपको 3000 पे करना पड़ेगा, तो पर्सनल प्रिडिक्शंस हो जाएगा, अदरवाइज जो है 3499 के क्लासेस में आप आ जाइए और खुद से आप अपना प्रिडिक्शंस कर लीजिए, दोनों ऑप्शन है आपके पास हाँ सर मैंने वो नहीं सर मैं वो क्लास में मैं क्लास में जाने के लिए मेरा बात हुआ था शायद, मुझे पता नहीं सर आपसे हुआ था किसी से हुआ था, मैंने वो नंबर पे मेरा पंप की पिक्चर और फेस का पिक्चर में सब डाला हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने डिटेल आप दिए होंगे ना, तो वहाँ पे कोई आदमी बोला होगा, क्योंकि हमारा नंबर सब जगह रहता नहीं है, और डिटेल आप पेमेंट नहीं किए होंगे इसलिए जो है आपका नंबर नहीं लगाया होगा, ये में भी ये भी हो सकता है, डिटेल मांगा गया होगा आपसे, पेमेंट इसमें भी नहीं किए होंगे, कितना दिन पहले किए थे सर ये लास्ट महीना होगा मेरे ख्याल से, तो वहां पे कोई रिस्पांस नहीं है, तो मैं उसी सबसे समझ पाया नहीं बात को। नहीं अगर आप सीखना चाहते, देखिए जैसे ये तो है आप, ये आज के युग में जो है कलयुग की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोफेशन हर आदमी को सीखना चाहिए, लेकिन हाँ 7/4 अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 7/3 है तो आदमी आगे जा सकता है, समझ गए, इसमें जा सकते हैं, इसमें आप करियर बना लेना तो ये असंभव है इस सेक्टर में, नोमोलॉजी एक बेस है, इसके साथ में थोड़ा थोड़ा आपको और कुछ भी आना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट सब तरह के आपके पास आएगा ना, समझ गए, तो आप अपने हिसाब से धीरे धीरे सीखना शुरू कीजिए, और सीख कर अगर करियर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और किन्हीं के पास कोई सवाल है? हेलो सर, जैसे वो मेरे तो विद्या जी ने प्रेडिक्शन किया, आप जरा देखकर उन्होंने कैसा बराबर बोल दिया था सर। हाँ हाँ बोल दिए थे हाँ। और किन्हीं आदमी के पास कोई सवाल है? हेलो हेलो हाँ बोलिए। एक डेट ऑफ बर्थ है सर उसका थोड़ा देखिए।
आज नहीं कल हम ले लेंगे उस दिन को, आज मेरा फिर दूसरा क्लासेस है अभी। और किन्हीं के पास कोई सवाल है? तो पूछ सकते हैं। है किन्हीं के पास कोई सवाल? सर ये कितने दिन का कोर्स रहेगा? ये 14 क्लासेस का कोर्स रहता है। पीडीएफ फाइल और रिकॉर्डिंग सब कुछ मिलेगा ना? पीडीएफ रिकॉर्डिंग सब मिलता है। सर फिर इसमें आप चेरिडियन भी साथ में लोगे और लोशो भी? नहीं नहीं चेरिडियन वो लोशो गीट का है, लोशो गीट का अलग है, चेरिडियन अलग है, तब पाइथन अलग है, सिर्फ लोशो गीट का हम उसमें क्लियर किया है। लोशो गीट का ही होगा उसके प्राइस टोटल। फिर इस कोर्स में नेम करेक्शन का भी रहेगा सर? नहीं उसमें नेम करेक्शन नेम का क्रोनोलॉजी अलग है, क्रोनोलॉजी 21 क्लासेस का अलग होता है वो। ओके सर। फिर सर एक वो वे पूछना था, इसके आपने कुछ उपाय बताया नहीं, जो मैंने प्रेडिक्शन किया ना किस चीज का उपाय करना है, कल बताओगे? दूसरे चीज में आप कर लेंगे वो। एक डेट ऑफ बर्थ देखिए ना। हाँ सर वो देख लेंगे फिर नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अभी मेरा फिर से क्लासेज है, हम फिर नेक्स्ट में ये चीज करेंगे तो उसमें कर लेंगे। हाँ सुनीता जी क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो हाँ बोलिए हेलो बोलिए मैम। हाँ मेरी डेट ऑफ बर्थ 8। चलिए आज के क्लासेस हम यहीं पे फिनिश करते हैं।